हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका गौर वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस जैसा कि आपको पता है हम रेस्टोरेशन कॉमेडी कर रहे थे एंड हमने रेस्टोरेशन कॉमेडी में अभी तक इसके की फ़ीचर्स पढ़ लिए हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज वेल और फिर हमने प्ले राइट्स की बात की थी प्ले राइट्स में हम विलियम कॉन्ग्रीव को डिटेल में पढ़ चुके हैं तो आज हम अदर प्ले राइट्स देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं विलियम विचरले के बारे में विलियम विचरले का लाइफ स्पैन रहा है सिक्सटीन टू सेवनटीन वीडियल पिक्चरली प्रोड्यूसड फोर कॉमेडीज बिटवीन दिस टाइम पीरियड फ्राम सिक्सटीन सेवेंटी वन टू सिक्सटीन सेवेंटी एट सो दिस वॉज द प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ इज लाइफ ऑल दो इट वॉज क्वाइट शोर्ट क्वाइट ब्रीफ लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वर्क इन्होंने इसमें किया है क्योंकि इन्होंने चार कॉमेडीज लिखी इतने छोटे से टाइम पीरियड में तो इन्होंने जो ये चार कॉमेडीज़ लिखी थी इन चारों कॉमेडीज़ में से लास्ट टू कॉमेडीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अब ये लास्ट टू कॉमेडीज़ कौन सी है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर ये दोनों जो है इनकी लास्ट टू कॉमेडीज़ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फेम इनको इन टू कॉमेडीज से मिला था एट अबाउट द एज ऑफ फिफ्टीन ही वो सेंट टू स्टडी फ्रांस अब ये जब पंद्रह साल के लगभग थे तो इन्हें फ्रांस भेज दिया गया आगे पढ़ाई करने के लिए लेकिन जब ये इंग्लैंड में थे जब ये फ्रांस नहीं गए थे जब ये इंग्लैंड में थे तब ये एक प्रोटेस्टेंट थे लेकिन जब ये फ्रांस गए तो कंपनी के इन्फ्लुएंस में मतलब जो इनके आसपास लोग रहते थे जो इनके फ्रेंड्स थे उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये कन्वर्ट हो गए थे प्रोटेस्टेंट से रोमन कैथोलिक में और फिर जब ये अट्ठारह साल के थे जब इन्हें वापस आना था फिर इन्होंने दोबारा से अपना रिलीजन चेंज कर लिया था और ये दोबारा से प्रोटेस्टेंट बन गए थे इनका जो पहला वर्क इन्होंने लिखा वो था लव इन अ वुड और इसका जो सब टाइटल है दैट इज़ सेंट जेम्स पार्क एज आई ऑलवेज से यू हैव टू मग अप कैरेक्टर नेम्स एंड द सब टाइटल्स एज वेल क्योंकि एग्जामिनर यही सब ज़्यादातर आपसे पूछता है तो जो ये इनका पहला प्ले था ये सेट किया गया था जेम्स पार्क में और यहीं से इनका सब आता है इट वॉज एक्टेड इन सिक्सटीन सेवेंटी वन इसे सिक्सटीन सेवेंटी वन में एक्ट किया गया था एंड पब्लिश किया गया था नेक्स्ट ईयर सिक्सटीन सेवेंटी टू में तो जब इसे एक्ट किया गया था स्टेज पर उस टाइम पर ये बारबरा पामर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वर्क तो बारबरा पामर को विचरले का ये वर्क बहुत पसंद आया इसी वजह से उन्होंने विचरले को इंट्रोड्यूस किया कोर्ट सर्कल्स में जिसकी वजह से विचरले को काफ़ी फेम मिला था अब बारबरा पामर कौन थी ये क्लीवलैंड की फ़र्स्ट डुचे थी और इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं बार्बरा पामर शी वॉज द डुचेस ऑफ इंग्लैंड एंड वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ किंग चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड एंड हर इन्फ्लुएंस वॉज सो ग्रेट दैट शी हैज़ बीन रेफर्ड एज द अनक्राउंड क्वीन इन्हें द अनक्राउंड क्वीन के नाम से भी रेफर किया जाता है ऐसा क्यों देखिए जैसा कि हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि किंग चार्ल्स टू के बहुत ज़्यादा अफेयर्स थे और जिनके साथ इनके अफेयर्स थे ना उनमें से एक थी बार्बरा पामर तो बार्बरा पामर और किंग चार्ल्स टू लीगली मैरिड नहीं थे लेकिन बारबरा पामर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसी वजह से इन्हें अनक्राउंड क्वीन कहा जाता है और ये जो वर्ड है ना अनक्राउंड ये इसलिए आया था क्योंकि बारबरा पामर और किंग चार्ल्स टू लीगली मैरिड नहीं थे इनका जो सेकंड प्ले है वो है द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर एंड इट वाज काइंड ऑफ अ कॉमेडी ऑफ इंट्री और इसे परफॉर्म किया गया था सिक्सटीन में और सिक्सटीन में इसको पब्लिश किया गया था नेक्स्ट इनका जो बहुत फेमस वर्क है द कंट्री वाइफ बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड प्ले एंड पॉलिश प्ले ये इनका रहा है और ये एक सटैरिक प्ले है और इसमें इन्होंने एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पर एक ताना कसा है उनके करप्शन पर उनके ग्रीड पर उनकी हाइपोक्राइसी पर कॉन्स्परेसी पर इलिसिट अफेयर्स पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रामेरिटल अफेयर्स पर इन्होंने एक ताना कसा एक अटैक किया है इस वर्क के थ्रू तो इस वर्क में कहा क्या गया है वो यहाँ पर लिखा है देखते हैं It centers on the attempt of jealous husband named pinch wife to keep his young wife out of the society because he fears that she will prove unfaithful. तो इस वर्क में जो पिंच वाइफ हैं जो मेन कैरेक्टर है पिंच वाइफ वो अपनी यंग वाइफ को सोसाइटी से नहीं मिलाते क्योंकि इनको ये डर रहता है कि अगर इनकी यंग वाइफ को इन्होंने सोसाइटी से मिलाया तो वो अनफेथफुल प्रूव हो जाएंगी और वो अपनी लॉयल्टी को फेल कर देंगी दैट मीन्स कि वो अब अपने हस्बैंड से लॉयल नहीं रहेंगी इसीलिए ये सोसाइटी से अपनी वाइफ को दूर रखते हैं हिज एक्सेसिव वार्निंग्स अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग्स फुट आइडियाज़ इन टू हर हेड दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ को वार्निंग देते रहते थे बहुत ज़्यादा उसको सप्रेस करते रहते थे तो इसी वजह से इनके एक्सेसिव इन एक्शंस की वजह से जो इनकी वाइफ है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है किसके साथ हॉर्नर के साथ और जो हॉर्नर है हु मेक एक्सक्यूज ऑफ बींग इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द कंट्री वाइफ में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट की तरह बिहेव करता है बट वो होता नहीं है तो वो है कैरेक्टर हॉर्नर ठीक है तो हॉर्नर जो है वो पिंच वाइफ की जो वाइफ हैं उनको ये सिड्यूस कर लेते हैं और इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है तो जो इन्होंने चार कॉमेडीज लिखी थी उसमें से लास्ट कॉमेडी है द प्लेन डीलर इट वॉज हाईली प्रेज बाई ड्राइडन ड्राइडन ने विचरले के इस वर्क को बहुत ज़्यादा प्रेज किया था आफ्टर दिस प्ले ही स्टॉप राइटिंग फॉर द स्टेज इन्होंने उन वर्क को लिखना बंद कर दिया था और उन प्लेज को लिखना बंद कर दिया था जो स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे तो ऑल एंड ऑल इन्होंने स्टेज के लिए लिखना बंद कर दिया था नाउ इन सेवनटीन जीरो फोर ही पब्लिश्ड मिसेलिनियस पोयम इन्होंने कुछ पोएम्स का कलेक्शन 1704 में पब्लिश किया था और अलेक्जेंडर को वो पोएम्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी फिर बाद में अलेक्जेंडर ने विचरले की हेल्प की टू रिवाइज ऑल दोज पोएम्स जो इन्होंने 1704 में पब्लिश की नेक्स्ट प्ले राइट इज जॉर्ज एथरेज ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टैब्लिशिंग द कॉमेडी ऑफ मैनर्स बट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज लेटर परफेक्टेड बाई विलियम कॉन्ग्रीव जॉर्ज एथरिज फर्स्ट एक्प्लिश्ड प्रैक्टिशनर रहे हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के इनका जो बोर्न ईयर है ये शोर नहीं है कि 1634 है या 1635 है सो so, 1634 थर्टी टू 1691 और 1635 टू 1691 इनका लाइफ स्पैन रहा है और जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो ये रहे फर्स्ट है द कॉमिकल रिवेंज जिसका सब है लविना टब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है ये सेकंड है शी वुड इफ शी कोड एंड थर्ड है द मैन ऑफ मोड और जिसका सब है सर फॉपलिंग फ्लटर तो आपको सब याद रखने हैं नेक्स्ट प्लेयराइटर सर जॉन वैन ब्रू हीज़ लाइफ स्पैन वो सिक्सटीन सिक्सटी फोर टू सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स इन्होंने जो ये दो वर्क लिखे द री लेप्स एंड द प्रोवक्ट वाइफ काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव एंड कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क थे एंड बिकॉज ऑफ इट ही वॉज इम्प्रीजेंट बाय द फ्रेंच एज अ पोलिटिकल प्रिजनर ये अपनी लाइफ टाइम में थोड़े से रेडिकल नेचर के रहे थे ही सपोर्टेड विग पार्टी सिंस ही सपोर्टेड विग पार्टी दैट इज़ वाई ही इन वॉन्ट जेम्स टू ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड और ये जेम्स टू को इंग्लैंड के थ्रोन से हटाना चाहते थे तो इसी वजह से ही वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ स्कीम टू ओवरथ्रो जेम्स टू फ्रॉम द थ्रोन बिकॉज ही वॉन्टेड टू पुट विलियम ऑफ ऑरेंज ऑन द थ्रोन एंड टू प्रोटेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक चीज़ भी याद रखना कि इनके ऊपर अटैक किया था जेरेमी कोलियर ने इन शॉर्ट व्यू ऑफ़ द इमोरेटी एंड प्रोफेयरनेस ऑफ इंग्लिश स्टेज तो उसमें जेरेमी कोलियर ने जिन जिन पर अटैक किया था उन सभी राइटर्स के आपको नाम याद रखने हैं तो उसमें से एक थे जॉन वेनब्रो सर जॉन वैनब्रू ने जो फर्स्ट वर्क लिखा द री लैप्स और वर्च्यू इन डेंजर और इस वर्क को बाद में अडॉप्ट किया शेरिडन ने अपने वर्क ट्रिप टू तो स्कारबरो के लिए स्कारबोरो एक टाउन है इंग्लैंड में अब जो ये वर्क है द री लैप्स और वर्चू इन डेंजर ये एक सीक्वल है कोले सीबर का जो वर्क है लव्स लास्ट शिफ्ट लव्स लास्ट शिफ्ट का जो सब टाइटल है दैट इज़ द फूल इन फैशन तो ये उसका एक सीक्वल है राइट जो सीबर का एक वर्क है लव्स लास्ट शिफ्ट और लव्स लास्ट शिफ्ट का जो सब टाइटल है दैट इज द फूल इन फैशन इसका जो सीक्वल है वो है द रीलैप्स और इसी का सब टाइटल है वर्चू इन डेंजर नेक्स्ट इनका जो अनफिनिश्ड वर्क था वो है द प्रोवोक्ड वाइफ और अ जर्नी टू लंडन ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है इन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया लेकिन इसको बाद में कंप्लीट किया था कोले सीबर ने इनका जो नेक्स्ट वर्क है द कॉन्फिड्रेसी जो इन्होंने 1705 में लिखा था तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हमने तीन प्लेराइट्स की बात की विचर्ले जॉर्ज एथरेज एंड सर जॉन वैनब्रू और इसके बाद जो अदर प्ले राइट्स रह गए हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी के उनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी के बाद रेस्टोरेशन ड्रामा और ट्रेजेडी ठीक है फिर उसके प्ले राइट्स की बात करेंगे तो इस सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो मैंने 5000 थाउजेंड एम सी क्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई इंग्लिश लिटरेचर की उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लाइक आपको पूरी की पूरी प्ले मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल दिस साइड प्रियंका गोर आई विश यू ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो थैंक यू